नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बंगाल में जारी हुए ओपिनियन पोल के बारे में कि इस बार किसकी सरकार बनती दिख रही है। बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के बड़े नेता बंगाल चुनाव में अपना दमखम दिखा रहे हैं, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक बंगाल का दौरा कर चुके हैं। इधर बिहार की राजनीतिक पार्टियां भी बंगाल में अपनी किस्मत आजमाने की बात कह रही है। हालांकि राजद ने ममता बनर्जी की पार्टी का समर्थन करने की बात कही है, तो वहीं जदयू अभी भी बीजेपी के साथ अलायंस में उतरेगी या फिर अकेले चुनाव मैदान में होगी, इस बात का क्लियर नहीं किया है। लेकिन अलग अलग टीवी चैनलों की तरफ से ओपिनियन पोल आने शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के साथ ही देश के 5 अलग राज्यों में चुनाव होने हैं। ये राज्य हैं असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। इन राज्यों में भी अभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जहां वर्तमान में सत्ता में है, वहां वह सत्ता बचाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही सत्ता में जहां वह पार्टी सत्ता में नहीं है, वहां सत्ता पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगर हम बात बंगाल की करें तो बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के बड़े नेता चुनाव मैदान में उतर गए हैं और उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इधर न्यूज चैनल और एजेंसियों ने ओपिनियन पोल के माध्यम से आम जनता का नब्ज टटोलना शुरू कर दिया है। ऐसे में न्यूज चैनलों की तरफ से बंगाल चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल सामने आने शुरू हो गए हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं ओपिनियन पोल पर। इस बार के ओपिनियन पोल में किसकी सरकार बनती दिख रही है, तो सबसे पहले बात करेंगे एएपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल का। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के अनुसार बंगाल की 294 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में 152 से 168 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 104 से 120 सीटें मिलते का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अगर हम कांग्रेस और वाम दल के मिलाकर अगर हम बात करें तो इन दोनों पार्टियों को मिलाकर 18 से 25 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। वहीं अगर हम वोट प्रतिशत की बात कर लें तो टीएमसी के खाते में 42% मत मिलने की बात कही जा रही है, जबकि बीजेपी के खाते में 37% वोट मिलने की बात कही गई है। वहीं अगर हम कांग्रेस और लेफ्ट के हिस्से की बात कर लें तो इन दोनों को मिलाकर 13% वोट मिलने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही अन्य के खाते में भी वोट प्रतिशत जा रही है, जो कि 8% है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एबीपी और सी वोटर के अनुसार टीएमसी को बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं अगर हम सीएनएक्स के ओपिनियन पोल को देखें तो सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के अनुसार टीएमसी के खाते में 141 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि बीजेपी के खाते में मात्र 135 सीटें आती दिख रही है। वहीं अगर हम कांग्रेस और वाम दल को मिलाकर देखें तो इन दोनों के खाते में जो है 18 सीटें मिलती दिख रही है। तो सीएनएक्स के अनुसार भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनती दिख रही है। वहीं अगर हम बात TV9 भारतवर्ष की करें तो इनके ओपिनियन पोल के अनुसार टीएमसी के खाते में 146 सीटें आती दिख रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में भी 122 सीटें आती दिख रही है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस और लेफ्ट को मिलाकर तो इन दोनों के खाते में 23 सीटें मिलती दिख रही है। TV9 भारतवर्ष के अनुसार भी ममता बनर्जी की सरकार बनती दिख रही है। अब हम बात करते हैं पीपुल प्लस ओपिनियन पोल की, तो टीएमसी के खाते में मात्र 95 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 183 सीटें मिलने की बात कही जा रही है, जबकि कांग्रेस और वाम दलों को मिलाकर अगर हम देखें तो इन दोनों के खाते में 16 सीटें आती दिख रही है। तो अब तक हमने 4 ओपिनियन पोल देखे, जिसमें से 3 में ममता बनर्जी की सरकार बनती दिख रही थी, जबकि एकमात्र पीपुल्स प्लस ने ओपिनियन पोल ने जो है बीजेपी को सरकार बनाते हुए दिखाया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बीजेपी जो है पीपुल्स के अनुसार बंगाल में सरकार बना सकती है, जबकि अन ओपिनियन पोल के अनुसार जो है ममता बनर्जी की सरकार बनती दिख रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।